कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने काफी बार एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है लोगों की, बट वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता है क्योंकि जिम में लोगों को बहुत सारी मिथ्स मिलती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, मुझे यूट्यूब पर, सॉरी, मेरे इंस्टाग्राम पर ही क्वेश्चन आते रहते हैं और मुझे लड़कों ने भी पूछा है। जब वो मुझसे प्रोटीन लेते हैं या जिम से प्रोटीन खरीदते हैं तो वो पूछते हैं, भैया इसको पानी के साथ लें या दूध के साथ। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पानी के साथ प्रोटीन लेना बेस्ट होता है, अच्छा होता है, दूध के साथ मत यूज करो। बट कोई आपको ये नहीं बताता है क्यों। जी हाँ, ये आपके दिमाग में आता जरूर होगा लेकिन आप पूछ नहीं पाते होंगे। आज मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आपको वे प्रोटीन से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो किस तरह यूज करना चाहिए, पानी के साथ या दूध के साथ। अगर आप वर्कआउट करने के बाद वे प्रोटीन लेने की सोच रहे हो तो 100% कोई चांस नहीं इसके अलावा पानी के साथ, दूध के साथ क्यों, अब आपको बताता हूँ। गाइस, दूध के अंदर होते हैं लैक्टोज, केसीन। केसीन माने क्या? पनीर। जी हाँ, पनीर दूध से ही निकलता है, पहले से पनीर नहीं होता है तो दूध से निकाला जाता है। केसीन क्या होता है भाई? केसीन या पनीर वो दूध की अब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा स्लो कर जाता है, समझ रहे हैं। और प्रोटीन आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपकी मसल्स ब्रेक हुई हैं और उनको जल्द से जल्द प्रोटीन की सप्लाई चाहिए होती है ताकि वो मसल को बिल्ड कर सके, ठीक है। तो अगर आप दूध के साथ प्रोटीन को लेते हैं तो वो जो प्रोटीन की सप्लाई है मसल्स में वो डिले भी हो जाएगी प्लस स्लो हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पैसे खर्च किए हैं मेरे भाई प्रोटीन के लिए तो उसको पानी के साथ लेने के बजाय दूध में लेकर के पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्लीज दूध के साथ मत कंज्यूम करो पोस्ट वर्कआउट। और अगर आप प्री वर्कआउट में भी, मतलब पहले ही प्रोटीन यूज करना चाहते हैं तो भी आप पानी के साथ ही कंज्यूम करिए, दूध के साथ नहीं, क्योंकि वो फैट आपको वर्कआउट के वक्त दिक्कत करेगा। मैं बहुत पहले कम से कम काफी समय तक टेस्ट करना, अपने आप पर टेस्ट करता रहता हूँ, मैंने दूध के साथ पी करके वर्कआउट किया है और बहुत अजीब सा फील होता है, थोड़ा सा वॉमिटिंग टाइप का आता है। तो आप प्रोटीन के साथ इंटेक करके और आप वर्कआउट करने जाएंगे तो कैसा लगेगा पता है आपको? रहने दो, छोड़ो, ज्यादा मन करे ट्राई करके देख लेना, कुछ होगा नहीं लेकिन समझ में आ जाएगा, अगली बार नहीं ट्राई करोगे। अगर आपको दूध के साथ प्रोटीन लेना है तो कब लें? सबसे बेस्ट टाइम होगा कभी भी ले सकते हैं, बट पोस्ट वर्कआउट में नहीं। कभी भी लेने का फायदा ये होगा कि आपकी प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन स्लो रहेगी, आपकी प्रोटीन की सप्लाई अच्छी से मसल में धीरे धीरे पहुंचती रहेगी, बट पोस्ट वर्कआउट में नहीं, क्योंकि उस वक्त आपको जल्दी प्रोटीन सप्लाई चाहिए होती है, यानी कि वर्कआउट के ठीक बाद। रात के वक्त आप दूध के साथ प्रोटीन मिक्स करके पी सकते हैं, वो सबसे बेस्ट टाइम होगी, क्योंकि आप रात में, मान के चलो 10 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो, तो अगले 8 घंटे तक आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिलने वाला है, आप सोते रहेंगे। और ये सबको पता है कि मसल्स, नाखून, बाल, हाइट सब कुछ रात में ही बढ़ती है, दिन में नहीं। और रात में इसीलिए अच्छा फूड आपके स्टमक में होना चाहिए। तो आप दूध के साथ प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपके लिए केसिन प्रोटीन का काम करेगा और स्लोली स्लोली आपके मसल्स को प्रोटीन की सप्लाई देता है। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा आपको समझने के लिए। अगर आपको इसके बाद कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रोटीन के बारे में आपको और जानना हो तो मैं लिंक दे दूंगा, मैंने ऑल अबाउट प्रोटीन की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस काफी है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट काम, सब्सक्राइब करो, समझे? भाई ने बोला करने सब्सक्राइब का यार, तो करने भाई का, तुम्हारे लिए बहुत पागल है मेहनत कर क्या? रहा हूँ, जल्द करो। मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए।